लोकसभा चुनाव के रण में भाजपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही दल पहले चरण के मतदान को अपने अपने पक्ष में होने का दावा कर रहे हैं और जीत हासिल करने की बात भी कह रहे हैं। और इसी दिशा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के अहमदनगर में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। जी आपको बता दें कि इसके बाद उनका काजीकोट में भी चुनावी रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम होने वाला है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कुछ देर बाद कृष्णागिरी में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचने वाले हैं और इसके बाद वे शाम करीब 4 बजे थेनी में और 5:30 बजे मदुरई में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें राहुल गांधी भी 3 जनसभाओं को आज संबोधित करने वाले हैं। भाजपा और कांग्रेस अब अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आ रहे हैं। कृष्णागिरी, थेनी और मदुरई में संबोधन होने वाला है। लोकसभा चुनाव के रण में दोनों ही दल अपनी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस लगातार जुटे हुए हैं। आपको बता दें मतदाताओं को लुभाने की कवायद लगातार जारी है।